हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं मोहन पाल, डॉग ट्रेनर, रामा मंडी, भटिंडा, पंजाब से। ये रामा मंडी जहाँ गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी है उसके पास में पड़ती है, काला वाली, डब वाली, तलवंडी साबो, रामा मंडी, ये सब रामा मंडी इन सब के बीच में है, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। ये डोबरमैन यहीं पर है मेरे पास। फ्रेंड्स, आपको सारे यूरोपियन डॉबरमैन ही शो हो रहे हैं, जो कि 3 इम्पोर्ट हैं, एक मेरा होम ब्रीड है रेड कलर का मिस्टर यूरो। ये जो आपको दिख रही है ये फीमेल है सासा, और ये फीमेल है डफ़ी, ये मेल है डफर। ये डफर एंड डफ़ी दोनों 10 महीने के हैं अभी, तो इनको मैं 6 मंथ के मंगाया था, 4 मंथ हो गए हैं मेरे पास। और मेरा जो यूरो है दिखेगा अभी आपको रेड कलर में, इधर दौड़ रहा होगा वो दिख रहा है यूरो। ये है 18 से 19 महीने का, 31 दिसंबर को 2 साल का हो जाएगा। फ्रेंड्स, ए फीमेल देखिए डफ़ी, एक ए फीमेल सासा जो कि 3 ईयर की है, एंड ए यूरो जो कि 18-19 महीने को हो रहा है, ये 2 साल का हो जाएगा, 31 दिसंबर इसका बर्थ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डॉग आप सबको कैसे लगे ज़रूर बताना है, क्योंकि आने वाले दिनों में टोटली यूरोपियन डॉबरमैन ही अवेलेबल होंगे, और मेटिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो मिस्टर यूरो लीवर एंड 10 कलर। एंड अभी ये तो पप्पी है हमारा डफर, बाकी आने वाले दिनों में इनके पपी अवेलेबल होंगे। डफ़ी की फर्स्ट इज मिस हुई है, सेकंड इज पे ब्रीड कर देंगे इसको हम। तो आप बताइए फ्रेंड्स, मेरे डॉग की हाइट कितनी है और कैसी है, ग्रोथ कैसी हो रही है, डॉग कैसे हैं, खासकर मेरे यूरो के बारे में ज़रूर कमेंट करना है। अभी इस गर्मी का पहला दिन है जो जिसको हमने इनको डॉग को ओपन किया है, अब हर शनिवार रविवार इनको ओपन किया करेंगे, कोशिश होती सैटरडे एंड संडे को लाइव आना। आप देख सकते हो कि मेरा बेटा भी इनके बीच में घूम रहा है, इनका इतना अच्छा टेम्परामेंट है, किसी को आने जाने वाले को किसी को कुछ नहीं बोलते। हाँ, गार्ड डॉग हैं बट वैसे एग्रेसिव नहीं है, लोगों का जो डर है घर में ईजिली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा हंटर डॉग है, हंटर है, ये भी हो गया 1 ईयर का, लास्ट सीजन बहुत सो जीते हैं इसने, तो इस बार भी देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस रहता है। और डॉग को एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है, देखो मोटिवेशन कितने कॉन्सेंट्रेट कर रखे हैं इन्होंने बॉल पर। और मेरी डॉटर भावना पाल दिख रही है आपको, मिस डफ़ी बॉडी शेप देख सकते हैं, लोग बोलते हैं यूरोपियन डॉबरमैन कैसा होता है, तो आप इन डॉग को देख के एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसा है और कैसा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो और फोटो में बहुत फ़र्क होता है। मिस्टर हंटर ये भी इन सब के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट टाइम इसी जगह पर बहुत वीडियो बनाते थे, इस बार भी हमने सैटरडे संडे को शुरू कर दिया है, हर सैटरडे संडे वीडियो बना करेगी इनकी, और भी डॉग हैं उनकी भी बना करेगी, डलती रहेगी। धीरे धीरे इनका फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड और ज़्यादा आपस में फ्रेंडली हो जाएंगे और बातें मानने लग जाएंगे। डॉग खुला छोड़ के एक्सरसाइज कराने पे बातें ज़्यादा मानता है, क्योंकि रेंज से बाहर होता है, उसको बुलाओ तो आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जिस किसी को यूरो के पपी चाहिए, यूरो के पपी अवेलेबल होते हैं मेरे पास अभी, देखो वो पूरा रेस लगा के जा रहा है आगे तक, बहुत दूर तक गया हुआ यूरो। मेरे जो भी डॉग वीडियो में दिख रहे हैं, जर्मन शेफर्ड, लीवर एंड 10, ब्लैक एंड 10 मेल, लीवर एंड 10 फीमेल तो है नहीं इसमें, बट ब्लैक एंड 10 2 फीमेल हैं, तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। हाँ, जो दूर बैठे हैं, कोई डॉग को ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, मेरे पास हॉस्टल ट्रेनिंग की सुविधा अवेलेबल है, अब मौसम सही हो जाएगा बस 15-20 दिन के अंदर।